मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदर से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। ये मिथुन चक्रवर्ती ने मालूम क्या नाम है उसका, ऐसा हम लोग के बारे में बात करते हो रहा, जो ये बोला माँ कसम कहते तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकते। कुछ भी करेंगे, कुछ भी, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी। कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दोस्तों, मिथुन ने मुसलमानों को लेकर जो गलत बातें कही, मुसलमानों को काटने और मारने की बात की, इसे सुनकर तो इंडिया के तमाम लोग अभी तक गुस्से में हैं, मगर अब दुबई के शेख भी गुस्से में आ गए। और गुस्से की हालत में दुबई के शेख ने मिथुन को क्या कहा, आइए इस पूरी वीडियो में देखते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग मुसलमान और अरबी लोग भी इतना ये बंदर से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था। हम लोग सोचे ये एक अच्छा नेक इंसान है, अभी तो शायद ये बुड्ढा हो गया, पागल हो गया, हम नहीं मालूम है। लेकिन हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है, तुम लोग क्या क्या नहीं बनाया आप लोग के लिए इधर। और तुम लोग का दिवाली है, तुम लोग का दिवाली के साथ भी हम लोग करा हो गया, कभी तुम लोग के बारे में हम लोग गलत बात नहीं किया। और आप लोग जब भी होता है मुसलमान मुसलमान, कब तक ये चलेगा, कब तक? और हम हैरान है ये बंदे से जो वल्लाह हम इतना प्यार करता था, इसका तस्वीर लगाता था हमारे रूम में, अभी मेरा चप्पल का भी वो सेम नहीं है। हमको माफ करो मेरे भाई लोग, लेकिन आप लोग खुद देखो जो हम लोग करते हैं आप लोग के लिए, और देखो ये लोग क्या करते हैं हम लोग के लिए। क्या है, कब तक? वल्लाह आप लोग कभी भी खुश नहीं होएगा जब तक तुम लोग ये दोनों में मुशाकल करता है, फितना खोरी करता है। आओ थोड़ा से दुबई में देखो हम लोग कैसा हिंदू लोग के साथ रहता है, हम लोग एक दिल में सब रहता है, किसी के बारे में हम लोग गलत बात नहीं करता है। लेकिन जो ये बोला और क्या समझते, तुम कट करेगा, तुम ये करेगा, माँ कसम कहते तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर सच्चे तुम वाकई माँ का दूध पियाए, जाओ तुम्हारा मुल्क में किसी मुसलमान को उंगली लगाओ, फिर तुम मालूम होएगा क्या है मुसलमान। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मेरा हिंदू भाई लोग, हम लोग किसी को गाली नहीं देते, ये लोग से बचो, ये छोर लोग से बचो, ये खुद का देखता है, किसी का फायदा नहीं। अभी हम हमारा ऑफिस में आया है, अगर तुम लोग समझते कि हम लोग हिंदू लोग से नफरत करते, हम दिखाएगा भी एक एक आदमी जो हमारे पास काम करता है, और आप लोग खुद देखिएगा भी। हाँ मेरा प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? आकाश। आप हिंदू हो या मुसलमान? अच्छा, कभी तुम देखा हम लोग कुछ बोला गलती आपको, सर आंखों पर रखा है नहीं, भाई का जैसा हम लोग रहते हैं कि नहीं? अच्छा, आपका नाम क्या है? सलमान। आप हिंदू या मुसलमान? अच्छा, हमारा ऑफिस में काम करते हैं, कभी भी तुम देखा हम तुमको गाली दिया या हिंदू के बारे में बात किया? नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ना, ऐसा गलत बात नहीं। हम लोग सब आप लोग को दिल में रखा के नहीं? थैंक यू ब्रदर। अच्छा मेरा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीजू। तुम सच बोलो, कभी तुम जब मनते होलीडे यानी जाएगा हिंदू के लिए कुछ करे, हम लोग तुमको स्टॉप किया? कभी तुमको कुछ गलती बोला उन लोग के बारे में? बोला हम अब तो लोग के लिए प्यार भी दिया। अच्छा, थैंक यू मेरा ब्रदर। मेरा भाई आप, ये आप किधर से हो? मेरा नाम किरण है, इंडिया से। अच्छा, आप मुसलमान हो या हिंदू है? हिंदू। देखो आप इधर सब इधर माशाल्लाह हिंदू लोग हैं। अच्छा, कभी तकलीफ सुना हमसे? कभी हम कुछ किसी को बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमको प्यार करते हैं। शुक्रिया। तो जैसा देखा तुम लोग मेरा भाई लोग, हम हमारे ऑफिस में, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस में सब हिंदू है, कभी भी हम लोग को इतना खुश रखा, जब भी इन लोग छुट्टी मनते हैं ये मनते हैं, कभी हम उसको खराबी नहीं दिखाया, और अब तुम लोग को एक अच्छा चीज़ भी दिखा। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना, वाकई में दुबई के शेख ने बड़ी अच्छी बातें कही, इस तरह से मिथुन को नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।